नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी शंखनाद के लिए, जहां पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, जिसमें जहां योगी आदित्यनाथ नाथ ने भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन में आए समाज के हजारों लोगों को सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट करने के साथ साथ हर घर में जाकर वोट करने की अपील की, जिसमें सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जिस तरह से एक पक्ष को है जो कि फैमिली फर्स्ट को लेकर चलता है और दूसरा मोदी पक्ष है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है, और क्योंकि आज मोदी की गारंटी है कि जो कहा वो किया, फिर चाहे 500 साल की समस्या राम मंदिर का निर्माण हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, जबकि यह नासूर कांग्रेस का दिया हुआ था जहां पर नक्सलवाद आतंकवाद और पथराव का नाम था, लेकिन आज धारा 370 हटने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर है। वहीं योगी ने कहा कि जब से मोदी आए हैं उससे एक नए भारत का निर्माण हुआ है जो कि पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और यहां के नागरिक का भी सम्मान बढ़ाने का काम है। इसी के साथ सीएम योगी ने सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किए विकास कार्यों को भी गिनाया और कहा कि ये वो है जो कि बहुत बड़ी कलाकार है और उसके साथ भी इन्होंने यहाँ की समस्याओं को प्रदेश और देश की संसद में खूब उठाया है, और उन्होंने फिर से एक बार 400 पार और मोदी सरकार का नारा भी गुंजायमान किया। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। Yeah।
देखने वाले अभिमुख कर दिया था, एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला, और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ऐसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता हुआ। पिछले 10 वर्ष में आपने बढ़ोतरी में भारत को देखा एक नया भारत।